हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ और मेरे साथ हैं दीदी जी। हेलो दीदी, मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो दीदी जी सबको मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम घर से कितने बजे निकले थे दीदी? 5:30। तो हम निकले थे घर से 5:30 बजे, क्योंकि इधर ना 5 बजे भी आजकल अंधेरा रहता है, तो उस चक्कर में हम लोग थोड़ा लेट उठे। बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, अभी इतना ठंडा नहीं लग रहा है। और आज ना हल्की हल्की बूंदे बारिश की भी पड़ रही है, फिर भी हम लोग दीदी और मैं, बहुत लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन आज हम गाँव वाली रोड पे आए हुए हैं, दोनों जा रहे हैं, है ना। चलो दौड़ो, दौड़िए, ऐसे दौड़ लगाते हम सुबह सुबह। अरे एक दिन का नहीं है ये, रोज का है। कभी वीडियो बना पाती हूँ, कभी नहीं बना पाती हूँ, तो हम दोनों फिट रहने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आप भी जल्दी उठिए और दौड़ लगाइए और स्वस्थ रहिए। वापस चलो, वापस। नहीं 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 इसका पापा को बोल रही हूँ, वापस चलो। अरे वापस चलो, हमारे साथ चलो ऐसे। तो हस्बैंड साहब वापस आ चुके थे दौड़ लगा के, फिर मैंने कहा हमारे साथ ही चलो, तो उनको भी लेके चलते हैं दोबारा से। और हम दोनों अभी दीदी दीदी और मेरे, नहीं चलो नहीं लगेगा, दीदी और मैं जाएंगे दौड़ लगाएंगे, और मेरा कैमरामैन बनेगा प्रियांशु का पापा। यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा डॉगी है, और अंकल जी यहाँ पे डॉगी को घुमा रहे हैं। सो स्वीट क्यूटू। और अभी हम दौड़ लगा के वापस आ चुके हैं, और आज लगने वाला है संडे मार्केट, तो गाड़ियां भी आने बैठ गई हैं। सब्जी वाले भैया इतने सुबह सुबह आ चुके हैं, और बारिश की, आज तो बारिश भी पड़ रहा है, पता नहीं बारिश तेज आएगा ना क्या होगा। तो सब्जी का गाड़ी भी पहुंच चुका है संडे मार्केट में, दीजिएगा। अभी तो पूरा मार्केट बंद है, इन्हें भी जैसे जैसे लगने बैठ गई हैं दुकानें, कुछ उधर लग चुकी हैं, और इधर ना पूरा अभी संडे मार्केट मतलब सब्जी मार्केट लग जाएगा। दीदी भी थक गए ना, पसीना पसीना निकल गया सच में। सुबह सुबह भी डक भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अभी दौड़ लगा के हम लोग घर में पहुंच चुके हैं और काफी थक चुके हैं, और इतना सर्दी में भी मतलब पसीना पसीना हो रखा है, और दीदी जी थक के बैठ गए हैं, ज्यादा थकान लग गया ना। हाँ तो दीदी जी, मैं तो दौड़ती रहती हूँ, बट दीदी जी ना फर्स्ट टाइम दौड़े तो उनको ज्यादा थकान लगे। आज हो सकता है ना फर्स्ट दिन, एक दो दिन दौड़ने से ना पाँव में बहुत दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ेगी ना पाँव दर्द गायब हो जाएगा और आप मतलब दौड़ने लगेंगे। और मैं जब फर्स्ट टाइम दौड़ी थी ना, मेरे भी मतलब मैं पाँव हिला भी नहीं पा रही थी, मतलब नीचे से ऊपर छत में भी नहीं जा पा रही थी, इतना दर्द होता था। लेकिन जैसे जैसे मतलब आदत पड़ी, मतलब एकदम दर्द गायब और एकदम हैबिट जैसा बन गया है दौड़ने के लिए। तो कल से दीदी भी, 2 दिन तो लगेगा दीदी, फिर उसके बाद ट्रेन हो जाओगे, है ना। तो रास्ते में मिले हमें ये आंवले, 2-4 आंवले भी उठाए हमने, और अभी ये
झुकड़ू जैसे हो रखे हैं बाल, अभी चलती हूँ और फटाफट पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहाने नहाती हूँ है ना, और उसके बाद नाश्ता बनाना है। तो चलिए, और दीदी जी यहाँ पे देख रहे हैं पौधे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, हरे भरे पौधे है ना, मेहनत रंग ला रही है। और इस तरफ के लिए भी सारे फूल लगा रखे हैं, और ऊपर से भी सारे ये डेकोरेशन के आउटडोर इंडोर पौधे भी सारे रखे हुए हैं। और ना सबसे पहले मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ना पत्ते बहुत गिरे हुए होते हैं, तो उधर से तो मैंने पूरा झाड़ू मार के लेके आ चुकी हूँ, और इस तरफ के लिए भी काफी पत्ते पड़े हुए हैं, तो मैं ना उधर में इकट्ठा करती हूँ, तो इधर से साफ कर लेती हूँ पहले, और फिर अंदर का काम करूंगी। अंदर भी झाड़ू पोछा बहुत काम करना होता है, तो फटाफट पहले बाहर का झाड़ू मार देती हूँ, फिर अंदर का काम करती हूँ। और सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी। यार पानी पी के तो मैं गई ही थी, बट अभी चाय पीने का मन हो रहा है, तो हस्बैंड साहब को आवाज लगाया था, मैंने कहा थोड़ा चाय बना दो, तो वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं तो खुद ही बनाना पड़ेगा, और वो भी ब्लैक टी के साथ। फटाफट झाड़ू मार देती हूँ पहले, और ना आज दौड़ लगाए तो बहुत थक चुकी हूँ, सच्ची में पाँव दर्द हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद दौड़ते ना जैसे, तो पाँव दर्द होता ही है, अगर लगातार दौड़ेंगे ना तो पाँव का दर्द एकदम मिट जाएगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, तो हैबिट बनानी पड़ती है हर चीज की। और यहाँ पे सारे पत्ते इकट्ठे, यहाँ पे ना मैं सारे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ, और बाद में ना इसको एक जगह में जला देना है, राख बन जाएगा ना, वो भी पौधों को देना है। तो चलिए झाड़ू भी मार चुकी हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।